हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले फिर से वोडाफोन आइडिया के ऊपर। यहाँ पे तीन बड़ी खबरें वोडाफोन आइडिया में निकल करके आ रही है। और यहाँ पे बात करूँ एक्सिस बैंक के सीईओ और यहाँ पे जो भारतीय एयरटेल के चेयरमैन है सोलन मित्तल जी की तरफ से, उनकी तरफ से यहाँ पे बहुत बड़ी बातें वोडाफोन आइडिया के ऊपर बोली गई है। तो तीनों खबरों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि कल के लिए इंट्राडे में यहाँ पे कौन से लेवल को पकड़ करके प्ले किया जा सकता है। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो के साथ आप पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए, और यहाँ पे चैनल में नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी करिए। यहाँ पे बात स्टार्ट करना चाहूंगा आज की क्लोजिंग के साथ। यहाँ क्लोजिंग देख सकते हो, आज बिल्कुल अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे 25 पैसे डाउन था, 3.5% की गिरावट, 6 रुपये 65 पैसे के आसपास आपको क्लोजिंग दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन की बात करें तो इसके लिए मैं आपको NSE की वेबसाइट पर लेकर के आया हूँ। यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 6 रुपये 65 पैसे के आसपास क्लोजिंग दिखाई दे रही है। हाई हालांकि आज 7 रुपये 20 पैसे का बनाया और लो बनाया 6 रुपये 60 पैसे का। क्वांटिटी की बात करें तो 42 करोड़ 45 लाख शेयर की ट्रेडिंग है, जिसमें से 6 करोड़ 75 लाख शेयर की डिलीवरी। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी काफ़ी दिनों बाद ऐसा देखने को मिला है कि 20% से नीचे है। 16% की डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है वोडाफोन आइडिया में। वैसे देखोगे तो 7 करोड़ शेयर के आसपास की डिलीवरी हुई है, परंतु परसेंटेज ऑफ डिलीवरी काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे वीक देखने को मिल रहे हैं। इस बात को आपको नोटिस करना चाहिए। यहाँ पे तीन खबरें हैं, तीनों खबरों को यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे वन बाय वन मैं लेकर के आना चाहूँगा। सबसे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर आपको लेकर के आया हूँ। यहाँ पे सुनील मित्तल जी की तरफ से गवर्नमेंट को बहुत ही बड़ी अपील करी गई है। यहाँ पे मैं हेडलाइन पढ़ना चाहूँगा, टेलीकॉम नीड्स लॉन्ग ओवरड्यू सपोर्ट टू कीप 3-in-1 स्ट्रक्चर। सुनील मित्तल, 3-in-1 मतलब क्या, पहले तो वो समझाना चाहूँगा। 3+1 मतलब कि तीन यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर, यहाँ पे सुनील मित्तल जी चाहते हैं कि टके रहे, और यहाँ पे एक कम से कम एक पब्लिक सेक्टर मतलब कि एक सरकारी कोई टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी को खड़ा रखना चाहिए। तीन यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर है मतलब कि वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल और जियो, इन तीनों को यहाँ पे गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करे ताकि ये जो लॉन्ग ऑडियो है मतलब कि लंबे समय तक ये कंपनियाँ सर्वाइव कर पाए। और इसके चलते यहाँ पे गवर्नमेंट से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मांगी है। किसने मांगी है? सुनील मित्तल जी, यहाँ पे जो भारतीय एयरटेल के चेयरमैन हैं उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह का भारतीय एयरटेल की तरफ से काफ़ी बार ऐसा, एक बार नहीं है, काफ़ी बार ऐसा बयान निकल करके आ रहा है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को किसी भी हाल में बताया जा सके। हालांकि मुकेश अंबानी की तरफ से या फिर कोई जियो की तरफ से यहाँ पे कोई भी ऐसा बयान आज तक नहीं आया, परंतु भारतीय एयरटेल की तरफ से काफ़ी बार ऐसा एक्सप्रेशन आया है कि यहाँ पे वो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे मदद करें, सरकार मदद करें, ऐसी अपील काफ़ी बार उनकी तरफ से बोली गई है। तो ये एक खबर थी। अभी दूसरी खबर आपके सामने मैं बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, एक्सिस बैंक वरीज अबाउट वोडाफोन आइडिया यूनिट सीज स्टेट सपोर्ट। मतलब कि एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया के अंदर कंसर्न पैदा हो रहे उसके ऊपर उन्होंने चिंता जताई है। द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इज कंसर्न फॉर द लेंडर ऑल थ्रू द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर प्रिवेंटिंग द कलेप्स ऑफ द लॉस मेकिंग इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ चौधरी। मतलब कि सीईओ है अमिताभ चौधरी, उनकी तरफ से यहाँ पे बताया गया है कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है वोडाफोन आइडिया की वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। और उन्होंने भी यहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसा बोला है कि उनको कुछ इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, जिसके चलते यहाँ पे 3 प्लेयर भारत मार्केट में पूरी तरह से सर्वाइव कर पाया। तो दोनों जो बड़े दिग्गज हैं उन दोनों की तरफ से यहाँ पे गवर्नमेंट के को कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करी जाती हुई देखने को मिली है। और पिछले कुछ दिनों में देखे तो काफ़ी ऐसे दिग्गज हैं, काफ़ी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनकी तरफ से यहाँ पे बयान निकल कर आ रहा है कि यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया का जो कोलैप्स होने जा रहा है उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए और यहाँ पे इस कंपनी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी भी खबर है, वो भी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। वोडाफोन ओपन टू सेटलिंग रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट रॉ विद द इंडिया। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी समय से वोडाफोन PLC जो कि वन ऑफ दी वोडाफोन की प्रमोटर कंपनी है, उनका और भारत सरकार का एक टसल चल रहा है रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट के खिलाफ। मतलब कि उसमें यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 22,000 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पे वोडाफोन PLC को भारत को देने थे, परंतु अभी वोडाफोन की तरफ से बयान निकल कर आ रहा है कि यहाँ पे वो सेटलमेंट करने के लिए भारत के साथ यहाँ पे तैयार है। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबर है, या इनडायरेक्टली बोलूँगा क्योंकि डायरेक्टली
तो इसका असर वोडाफोन में नहीं होता, परंतु क्योंकि प्रमोटर कंपनी है तो उसके ऊपर कुछ भी न्यूज आएगी, कुछ भी खबर आएगी, तो उसका इनडायरेक्टली असर यहाँ पे वोडाफोन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर सेटलमेंट हो जाता है, कुछ डील हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं राहत की सांस होगी वोडाफोन आइडिया के लिए और उसके जो प्रमोटर कंपनी है इन दोनों के लिए। तो इन तीनों खबरें थी जो कि आज वोडाफोन में काम कर रही थी। मुझे लगता है इसका असर कल भी आपको बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और चार्ट पे क्या सिचुएशन है वो बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे चार्ट मैंने खोल के रखा है। 6 रुपये 65 पैसे 60 पैसे के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे आज भी सपोर्ट लेने की कोशिश करी और यहाँ पे बात करूँ जब तक 6 रुपये 95 पैसे के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक यहाँ पे ऊपर की राह चलना थोड़ा बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर 7 रुपये 15 पैसे भी हडल है। ये दोनों हडल को क्रॉस करेगा तो 7.5 के लेवल आपको बिल्कुल दिखाई देना चाहिए आगे जा करके। पर इसके लिए पहले 6 रुपये 95 पैसे और 7 रुपये 15 पैसे के जो हडल है उसको क्रॉस करना जरूरी है। नीचे की तरफ बात करें 6 रुपये 65 पैसे 60 पैसे के नीचे क्लोजिंग आ गई तो 6 रुपये 45 पैसे और वो अगर लेवल नहीं संभला दोस्तों तो यहाँ पे जो गैप आपको दिखाई दे रही होगी वो गैप फिल हो सकती है और ये गैप फुल होगी यहाँ पे 6 रुपये 10 पैसे के आसपास। तो यहाँ तक भी आ सकता है अगर यहाँ पे लेवल टूट गए तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि सभी लेवल को आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर है वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा ताकि आप उससे कभी भी अपने कोई भी पर्सनल ट्रेड को मेरे साथ शेयर कर सको। मैं आपको बिल्कुल इसमें गाइड करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आरएसए का लेवल देखें तो 40 के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो आरएसए का लेवल हालांकि वीक है क्योंकि आज गिरावट का माहौल ही मोस्ट ऑफ द डे देखने को मिला था। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।